लागू होने पर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, मचा बवाल। जी हां, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश भर में 11 मार्च से इस कानून को लागू कर दिया गया। CAA लागू होने के बाद विपक्षी नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बीजेपी दुनिया की अकेली ऐसी पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए गंदी राजनीति कर रही है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया, 10 साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के पहले मोदी सरकार CAA लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग CAA लाए हैं। सीएम केजरीवाल ने पोस्ट में आगे कहा, कह रहे हैं कि तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? आम आदमी पार्टी के संयोजक ने ये भी कहा, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए। उन्हें वापस लाने की बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। सीएम ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा, पूरा देश CAA का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत के लोग इसका सख्त विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार हो रहे हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।